होता क्या है ना, देखो मैथ में ऐसे देखे मैथ एक हुआ थोड़ा आर्ट्स का भी पार्ट होता है, जैसे हम लोग आर्ट्स में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी रख के मैथ रख सकते हैं, ठीक है ना। आर्ट्स में भी हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो भी रखा था उसके अलावा भी हम लोग मैथ रख सकते हैं। देखिए सबका अपना अपना जो है एक लक्ष्य होता है कि मान लो जैसे मैट्रिक करने के बाद कोई स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिशन लाइन में जाना चाहता है तो जा सकता है, ठीक। और मान लो किसी को IIT करना है या फिर इंजीनियरिंग में जाना है या फिर डीमेंस क्वालिफाइड करना है, सब एक ही बात हुआ। अगर मेडिकल लाइन में जाना है तो उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। दोस्तों मेडिकल या इंजीनियरिंग जाने के लिए सबसे थोड़ा मेन मुद्दा सभी बता दिए, फिजिक्स वाले बताए थे, केमिस्ट्री वाले सभी बताए थे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग अगर IIT डीमेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो IIT डीमेंस में एंट्री करना चाहते हैं तो हमको एक ही लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहले कि स्टार्ट के दौर से ही, है ना। जैसे कितना होता है कि मतलब हम लोग मैट्रिक इंटर का तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, नहीं हमको पूरा लक्ष्य रखना है कि मान लो कि हमको IIT जीमेंस मतलब सुबह से ही स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं कि हम लोग इंटर करेंगे उसके बाद सोचेंगे। क्योंकि देखो मेन मुद्दा ये है कि हम लोग के जो टाइम में था, है ना, कि IIT का एडवांस दो बार दे सकते हो, है ना। IIT में हम लोग के टाइम में था एडवांस दो बार दे सकते हो और मेन बार दे सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जो है IIT जीमेंस लिए हैं और क्वालिफाइड जो है 2018 में, ठीक। 2018 में मेरा BCA से क्वालिफाइड था। इसमें मेरा 120 मार्क्स का लगभग रैंक मेरा था 2000 के आसपास, ठीक। लेकिन हमने जो है मेरा जो एम था वो कंपटीशन लाइन में था, इसलिए हम ट्रैक चेंज कर दिए, ठीक। लेकिन मेरा यहाँ पर मुद्दा इतना नहीं है, अभी सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मैथ में हम लोग को अगर मान लो इंटर में साइंस रखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और यहाँ पर बायो, ठीक। देखो अगर हमको IIT करना है, ये तीन सब्जेक्ट मेन है मेरा, है ना। IIT करना तीन सब्जेक्ट मेन है, ठीक। अगर बायो में जाना है ये तीन सब्जेक्ट मेरा मेन है, ठीक है। ये तीन सब्जेक्ट मेरा मेन है, लेकिन हम क्या बताए बार बार ये बता रहे हैं, अगर आपको करना है तो शुरुआती दौर से स्टार्ट कर दो, है ना। टाइम की बात करना, जैसे एंट्री लिए उसके बाद स्टार्टिंग कर देना, समझे ना। और तुमको बता दें कि इसमें जो है ना फिजिक्स का बहुत ही अहम रोल होता है न्यूमेरिकल, है ना। क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है वो दो चार चैप्टर से मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक ना। दो चार क्वेश्चन मतलब चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन को मर्ज किया जाता है, इसीलिए जो है हम लोग जो है फिजिक्स में बेस्ट होता है न्यूमेरिकल, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ में, तो मैथ में भी थोड़ा क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग देखेंगे क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट चलिए ठीक है, हमारे पास टाइम कम है इसीलिए हम ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं।